हाय माय ब्यूटीज़, स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटी चैनल पर। और आज से मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी वीडियोस मैं इंग्लिश में अपलोड करूँगी उन सब का वर्जन ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडेज़ को हिंदी में भी अपलोड किया करूँगी, क्योंकि बस मेरा बहुत मन कर रहा था आप लोगों से अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का। तो बस इसीलिए मैं आज आपके साथ पहली बार शेयर करने जा रही हूँ ये मेकअप लुक, जो कि एक सॉफ्ट कैरेम्बरी मेकअप लुक है हिंदी में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेकअप लुक, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं शुरुआत कर रही हूँ मैं प्राइमर के साथ, जिसके लिए मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, जिसके बाद मैं लॉरियल इन्फेलेबल फाउंडेशन को अपने मेकअप स्पंज पे लेकर अपने पूरे फेस पे डॉट कर रही हूँ, और इसी मेकअप स्पंज की मदद से मैं उसे पूरे फेस पे ब्लेंड भी करूँगी। मेकअप स्पंज से ब्लेंड करने पर एक चीज़ जो बहुत आसान हो जाती है वो ये है कि आपका फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन में पूरी तरीके से अंदर चला जाता है, और वो बिल्कुल भी अलग या केकी ऐसा इफ़ेक्ट नहीं देता है। वो बहुत कंफर्टेबल रहता है और पूरे दिन आपको ये नहीं लगता कि आपने कुछ अपने फेस पे लगा रखा है। इसके बाद मैं निक्स का कलर करेक्टर यूज़ करने जा रही हूँ। ये पीच शेड का कलर करेक्टर है। इसको यूज़ करने से मेरे अंडर आई एरिया में जो डार्क सर्कल्स हैं ये छुप जाएंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा होगा। और अब मैं इसे वापस अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने अपना एल ए गर्ल का HD सेटिंग पाउडर लिया है, ये लूज़ पाउडर है, और इससे मैं अपने कलर करेक्टर को सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर करेक्टर बहुत क्रीज करता है, ये बहुत ही क्रीमी है, इसे सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद मैं अपना निक्स का HD फाउंडेशन कंसीलर ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी आँखों के नीचे एक ट्राइंगल शेप में अपने माथे पे, नोज़ पे, माउथ के चारों तरफ, और ठीक थोड़ा सा उस जगह पर जहाँ पे कि मेरा कॉन्टोर लाइन होगी लगा रही हूँ। इसके बाद मैं वापस अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उन सारी लाइंस को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखेंगे ऐसा करने से इंस्टेंटली मेरा अंडर आई एरिया जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया है, ऊपर की तरफ आ गया है। इससे जब हम कॉन्टोर करेंगे तो हमारा कॉन्टोर लाइन जो है वो और ज़्यादा स्टार्क पता चलेगी। इससे हमारा चेहरा जो है वो एंगल्स और डिमेंशंस के साथ पता चलेगा, जो कि देखने में फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा लगता है, और रियल लाइफ में भी किसी को भी सिर्फ एक ओवल शेप चाहिए नहीं होता है अपने फेस के लिए। और मैं अपना नोज़ हाइलाइटिंग जो है वो उंगली से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आपने अभी देखा वो बस थोड़ा कंफर्टेबल है ऐसा करने में, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया। अब मैं अपनी निक्स की वंडर स्टिक ले रही हूँ और उससे मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने अपने फोरहेड पे कॉन्टोर किया है, अपने जॉ लाइन पे कॉन्टोर किया है, अपने चीक बोन्स को कॉन्टोर किया है, अपने लिप को, और इस वक्त मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज़ को कॉन्टोर करने से मेरी नोज़ जो कि काफ़ी मोटी है वो थोड़ी सी पतली पता चलती है, इसीलिए मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। और आप देखेंगे कि मेरे हर मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने ऐसा ही किया हुआ है, और मैंने हाइलाइटर पार्ट भी उसका जिन जगहों पे मुझे हाइलाइट करना था लगाया है। और अब मैं रियल टेक्निक्स का ब्लेंडिंग ब्रश लेकर उसे उन सारी कॉन्टोरिंग लाइंस को ब्लेंड कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ब्लेंड करने के लिए। किसी भी कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग पाउडर को आप अपने फेस पे यूज़ करें, ये ब्रश उसे आराम से मेल्ट कर देता है आपकी स्किन में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो ये कोई भी स्टार्क या अननेचुरल दिखने वाली लाइंस को आपके फेस पर नहीं छोड़ता जो देखने में ख़राब लगे। और अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अपना बाकी जगहों पे अपने हाइलाइटर को ब्लेंड किया है, और मैं एक छोटे रियल टेक्निक के फ्लफी ब्रश से अपने नोज़ कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं बड़े ब्रश से नहीं कर सकती। और बस अपने स्पंज से मैंने उसे सेट कर दिया। अब मैं एल ए गर्ल का ब्रॉन्ज कंटूर एंड हाइलाइटिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और उसके ब्रॉन्जर जो ब्राउन शेड है उसका, उससे मैं अपने सारे एरियाज जिन पे मैंने वो कंटूरिंग पाउडर लगाया था उसे सेट कर रही हूँ।
इसके बाद मैं अपने फोरहेड को और अपने जॉ लाइन को सेट कर रही हूँ, और अपने उसी छोटे रियल टेक्निक्स के ब्रश को लेकर मैंने अपने नोज कॉन्टोर और लिप्स कॉन्टोर को भी सेट किया है। और अब एक पिंक ब्लशर लेकर मैं उसे अपने एप्पल्स पे अप्लाई कर रही हूँ, और ये श्योर कर रही हूँ कि वो ब्लेंड हो जाए मेरे कॉन्टोर के साथ। अब आप देखेंगे मैंने उसी पैलेट से हाइलाइटिंग शेड, ये गोल्डन हाइलाइट है जिसे उठाया है, और इसे मैं सी शेप में अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ऑप्टिकल बोन पे, और मैंने अपनी नोज पे, चिन पे और थोड़ा सा अपनी क्यूपिड्स को पे इसे अप्लाई किया है। और अब मैं एक फ्लैट फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और बहुत ही थोड़े से ब्लशर के साथ में मैं अपने हाइलाइटर और कॉन्टोर को एक दूसरे के साथ में ब्लेंड कर रही हूँ। अब उसी फ्लैट फ्लफी ब्रश पे मैंने एक ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर लिया है, और उससे मैं अपने पूरे फेस को दोबारा सेट कर रही हूँ ताकि अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सेसिव हो तो वो आराम से ब्लेंड हो जाए। ट्रांसलूसेंट इसलिए क्योंकि ये कोई कलर ऐड नहीं करेगा फेस पर। इसके बाद मैंने अपना गुलाब जल, डाबर गुलाबरी का गुलाब जल लिया है, उसे मैंने अपने फेस पे स्प्रेस किया है और फिर अपने स्पंज से उसे सेट कर दिया है। इससे कोई भी पाउडरीनेस मेरे फेस पर नहीं रह जाएगी। इसके बाद मैं अब स्विच हो रही हूँ अपनी आईज पे। मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का आई हार्ट चॉकलेट पैलेट लिया है, और इसके क्रीम कलर के आई शेडो शेड से मैं अपनी आईलेट्स को सेट कर रही हूँ इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे मेरे बाकी के जो शेड्स आगे आने वाले हैं वो आराम से ब्लेंड हो पाएंगे। इसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पे मैं एक येलो कलर का ट्रांजिशन शेड जो इस पैलेट में है उसे अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। ये एक ट्रांजिशन शेड की तरह एक्ट करेगा और दूसरे शेड्स को आपस में ब्लेंड होने में मदद करेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं एक डार्कर ब्राउन कलर का शेड सेम पैलेट से ले रही हूँ और उसे मैं वापस अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। ये क्रीज की डेप्थ बढ़ाएगा और आगे आने वाले स्टेप्स में हम लोगों को फ्लॉलेस दिखने में हेल्प करेगा। अब मैंने फ्रीडम प्रो का ब्लश पैलेट लिया है और डार्कर रेड कलर का जो ब्लशर है उसे मैंने एक एंगल्ड फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पे, जो कि रियल टेक्निक्स का है, ले लिया है, और मैं उसे आउटर वी में अपने अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं इसे इनर कॉर्नर तक एक्सटेंड करके लेकर आऊँगी। इसका एक रीज़न है, इससे आंखें बड़ी लगेंगी जब हम अपनी क्रीज को कट करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी दोनों आंखें एक दूसरे से सिमिलर लगें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईज जो हैं वो ट्विन सिस्टर्स लगें, बट एटलीस्ट सिस्टर्स उनका लगना ज़रूरी है। तो दोनों को एक दूसरे जैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैं अपना पूरा एफर्ट दे रही हूँ कि मेरी दोनों आईज सिमिलर लगें। तो सेम काम मैं अपनी लेफ्ट आई पे भी कर रही हूँ जो मैंने अपनी राइट आई पे किया। अब मैं वापस शिफ्ट हो रही हूँ अपने आई हार्ट चॉकलेट पैलेट पे और उससे एक डीपो कैरेमेली शेड उठा रही हूँ अपने फ्लफी एंगल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पर, और उसे उन्हीं जगहों पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे वो रेड शेड हम लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने बहुत कोशिश की आई शेडोज में उस रेड शेड को ढूंढने की, पर मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आपको पता हो किस जगह वैसा रेड शेड मुझे आई शेडोज में मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्लशर होने के नाते उसके पिगमेंटेशन को मुझे बहुत बिल्डअप करना पड़ता है और आई शेडोज में उतना वर्क नहीं करना पड़ता, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब मैंने एक बहुत छोटा पैडल ब्रश लिया है जो कि फ्लैट है, उस पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसकी टिप पे, और मैं अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने पहले अपनी कटिंग के लिए लाइन ड्रॉ की और उसके बाद में मैंने उस लाइन की हेल्प से आगे अपनी आईज को फिल कर लिया उस कंसीलर की हेल्प से। ऐसा करने से आपके पास में एक फ्लॉलेस लाइन पहले ही आ जाती है जो आपको रेफरेंस देती है आगे फिल करने में, और ये स्टेप जो है वो आपको बहुत आराम से और बहुत सहारे से करना होगा, क्योंकि ये सबसे एसेंशियल स्टेप है। इसके बाद मैं वो सेम क्रीमी बेस शेड जो मैंने शुरुआत में अपनी आईलिड्स पे लगाया था उसे अपने फ्लैट सेम फ्लैट पैडल ब्रश पे उठा रही हूँ, और उसे मैं अपने उन एरियाज पे आईज पे लगा रही हूँ जहाँ मैंने वो कंसीलर अप्लाई किया था। मैं जानती हूँ कि इसके अलावा मैंने और कोई कलर नहीं अप्लाई किया है इन सेंटर आईलिड पे। इसके बाद मैं सीधे आईलाइनर अप्लाई करूँगी, मगर मुझे ये भी पता है कि इस लुक को बहुत सारे कलर्स के साथ प्ले अप भी किया जा सकता था,
तो आप अगर चाहें मुझे अपने रिकमेंडेशंस बॉटम बार में दे सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी रिक्रिएट करने में इस लुक को अलग अलग कलर्स के साथ। अब मेरे ब्रश पे जो भी कुछ बचा था उससे मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हार्श लाइंस थी उन्हें डिफ्यूज़ कर दिया है। अब मैंने अपना निक्स का जेल लाइनर लिया है, ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है इस मोमेंट का, मतलब मैं अपने मेबेलिन के स्टूडियो लास्टिंग ड्रामा जेल लाइनर से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ इस आईलाइनर से। और रियल टेक्निक्स के आईलाइनर ब्रश पर मैंने इसे ले लिया है और मैं एक कैट आई ड्रॉ कर रही हूँ एट द मोमेंट, कैट आई आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए आपको अपने हाथ को बहुत स्टडी रखना पड़ेगा इस तरीके का आईलाइनर को ड्रॉ करने के लिए। और प्लीज़ मुझे बॉटम सेक्शन में बताना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरा इन डेप्थ आईलाइनर रूटीन। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को बता के कैसे मैं अपना आईलाइनर अप्लाई करना पसंद करती हूँ। अब मैंने मेकअप मेबेलिन का लास्ट सेंसेशनल्स मस्कारा ले लिया है और इसे मैं अपनी आईलैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर की एज वेल एज नीचे की आईलैशेस पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। और मुझे पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सिर्फ मस्कारा अप्लाई करती हूँ अपनी लोअर लैशेज पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हैवी टॉप लैशेज के साथ लोअर लाइट लोअर लैशेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं टाइट लाइन कर रही हूँ नायका के काजल पेंसिल से अपनी आईज़ को। और सेम ब्राउन शेड जो मैंने अपने ट्रांजेक्शन शेड के लिए यूज़ किया था उसे मैं अपनी ब्राउ फिलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। मुझे किसी भी और प्रोडक्ट, क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी आईब्राउज को पाउडर प्रोडक्ट से सेट करना, और अब मैं उन्हें कोम कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ ऑकवर्ड ना लगे। इसके बाद मैं अपने लिप्स पे निक्स का लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये ट्रिपल शेड में है और ये लिप लाइनर मुझे बहुत पसंद है। ये एक पिंक कलर का लिप लाइनर है और इससे लिपस्टिक की लॉन्जिटिविटी भी बढ़ जाती है और वो इधर उधर फेस पर मूव नहीं करती। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी सीएट लंदन की लिपस्टिक और इसे मैं अपने लिप्स पे हर वो जगह जहाँ मैंने लिप लाइनर लगाया था वहाँ अप्लाई करने जा रही हूँ। अगर आप ये लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाकी लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह ये नहीं है, ये बहुत आसानी से अगर ये सेट नहीं हुई है तो स्मज हो जाती है, तो बस सेटिंग तक इंतज़ार करना होता है। और ये है फिर वो फिनिश्ड मेकअप लुक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी वीडियोस को देखना मत भूलिए। और कोई भी वीडियो ऐसा हो जिसे आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँ दोबारा, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिए और मैं उसे दोबारा रिकॉर्ड कर दूँगी आपके लिए।